वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं टी विद सेलिब्रिटी और आज हमारी सेलिब्रिटी हैं एक ब्यूटी थेरेपिस्ट जिन्हें आप सब जानते हैं पहचानते हैं मैमूना आसिफ के नाम से। किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आज हमारे प्रोग्राम में ये शामिल हैं। ब्रेक में जाने से पहले भी हमने इनका नंबर आपको बताया था, बहुत से लोग अभी भी हमें SMS कर रहे हैं और जानना चाह रहे हैं कि जी मैमूना साहबा से मिलना है, उसका नंबर क्या है। मैमूना हमारे साथ बैठी है और नंबर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और वो लोग जो इस प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, सेलिब्रिटी बनना चाहते हैं, वो भी हमारा नंबर नोट कर सकते हैं टीवी सेलिब्रिटी में शामिल होने के लिए। अच्छा, मोटापे के साथ साथ एक और बात ये है कि एंटी एजिंग ये एक बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ है जिसके हर आदमी कॉन्शियस है, तो इसके लिए आपने कोई इकदाम या कोई ऐसी बात जो आप हमारे नाज़रीन को या अपने जो लोग ट्रेनिंग के लिए आते हैं उनको आप बताते हैं एंटी एजिंग के लिए, क्या आप मशवरा देंगे? एंटी एजिंग के लिए ये जो मेरा पूरा समझे कॉस्मेटोलॉजी सेंटर है, ये पूरा बेस्ड ही हमारे पास ऐसी ट्रीटमेंट्स होते हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो एंटी एजिंग की तरफ लेके जाती हैं। अच्छा। और मुझे भी जो लोग अब देखते हैं जिन्होंने पहले देखा था और जो अब देखते हैं तो कहते हैं कि क्या ऐसी चीज़ इस्तेमाल कर रही हो, दिन ब दिन और निखार आता जा रहा है और उम्र से कम नज़र आना शुरू हो गई हो। तो सबसे पहले तो ये, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी सेहत का दुश्मन ठंडा पानी, ठीक है, ठंडे मशरूबात, और उसके हवाले से हमारे पास एक कहवा भी है अभी जो कि एंटी एजिंग प्रोसेस में बंदे को लाना शुरू कर देते हैं अगर हम उस कहवे को रेगुलर पीते रहे। और मेरा ख्याल है आपने देखा होगा, मैंने 2-3 दफ़ा आपके सामने पिया भी है। तो वो कहवा भी है, और उसके अलावा वो कहवा ना सिर्फ ये कि एंटी एजिंग बल्कि हमारी दिल की तमाम शरियानों को और उन सबको भी खोलता रहता है, ब्लॉकेजेस को क्लीन करता रहता है और फाजिल मादों को निकालता रहता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। उसके अलावा हमारे प्रोग्राम देख रहे हैं और आपका नंबर इस वक्त जो स्क्रीन पे देख रहे हो तो फिर आप मेरे ख्याल से लगने लग जाएगी, हर आदमी फिर चाहता है रोकथाम, बिल्कुल हर हर हर, और ये हमारा हक है बिल्कुल कि हम अच्छे भी देखें। जब कोई भी चीज़ अच्छी नज़र आती है तो दिल चाहता है उस बंदे से बात भी करें, बिल्कुल सही है। और सबसे पहले हमारा फेस जो कि रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, एंटी एजिंग के हवाले से, क्योंकि जैसे मैंने शुरू में कहा कि खूबसूरत बनना और बनाना मेरा बेहतरीन मशगला है, तो आप यकीन करें शॉपिंग मॉल में किसी लेडी के एक्नी देखती हूँ तो मैं उसको फ़ौरन कहती हूँ कि आप मेरे पास आएँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि आपके फेस के ऊपर एक्नी है या आपके फेस के ऊपर रिंकल्स आ गए, आप मेरे पास आएँ। क्योंकि जाहिर सी बात है हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो अच्छा नज़र आए, अच्छा। लेकिन ऐसे मौके नहीं हैं यहाँ पर। और अभी जो मैंने अपना इंस्टीट्यूट भी स्टार्ट किया है कि ये पहला इंस्टीट्यूट है कि ये वो सब टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की जा रही है जो हॉलीवुड के टॉप स्टार्स यूज करते हैं। और हमने आपके इंस्टीट्यूट का जो रूम है जहाँ पे जी बिल्कुल जहाँ पर आपने देखा वो सारा, तो वो और ये टेक्नोलॉजी जो कि मतलब समझे कि इस कंपनी के बेस्ड पर ही मुझे मिली, कि इसको जो रिसर्च किया गया, पता किया गया कि पूरी दुनिया में खूबसूरती के हवाले से कौन सा मुल्क मशहूर है और कहाँ की मलकाएँ शहजादियाँ, तो जब देखा गया तो इजिप्ट के हवाले से, फिरौन के मिस्र के हवाले से कि वहाँ की खूबसूरती, तो मिस्र में खुदाई के दौरान एक मास्क दरियाफ्त हुआ था गोल्ड का बना हुआ, उसके ऊपर कुछ प्रेशर पॉइंट्स थे, कुछ हर्ब्स लगे हुए थे। जी जी, और अभी जो मैंने आपको नीचे दिखाया था ना वो मास्क, जी वो वही मास्क है, और वो उस मास्क को फिर अमेरिकन इंस्टीट्यूट में जो है उसको रिसर्च किया गया मजीद, कॉस्मेटोलॉजिस्ट इंस्टीट्यूट के अंदर रिसर्च करने के बाद अब उसको जो है उसी तरह 24-कैरेट गोल्ड प्लेटेड प्रेशर पॉइंट्स में बनाया गया। और भी दिखा देते हैं, बिल्कुल अभी दोबारा दिखाएंगे बिल्कुल, और उस टेक्नोलॉजी को जो है वो अब मैं उसको इस्तेमाल करते हुए बहुत सारे लोग जो है वो एंटी एजिंग की तरफ आ गए और समझें कि अपनी एज से 10 से 15 साल पीछे चले गए। अच्छा, तमाम जो हमारी गुफ्तगू हो रही है वो बड़ों के हवाले से हो रही है, पेरेंट्स जो अपने बच्चों के लिए भी बहुत रहते हैं, सेंसिटिव हैं और कॉन्शियस रहते हैं कि जी बच्चों की डाइट, आम भूख नहीं लगती है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि बच्चे उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं लेकिन असल गज़ा नहीं लेते हैं, तो बच्चों के लिए कुछ आपने प्लान किया है? बच्चों के हवाले से बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है, और अभी मैं सोच रही हूँ बच्चों के हवाले से जैसे स्कूल में भी हम लोग जाकर कैंपिंग करें, उसमें क्या होगा कि मेरा एक मैंने प्लान बनाया हुआ है कि हम टीचर्स से पहले मिलें, उनसे बात करें, और उसके बाद उनकी क्लास के अंदर
जो बच्चे ऐसे हैं जिनको सबक याद नहीं होता, मेमोरी कम है उनकी, आईक्यू लेवल कम है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको चश्मे लगे हुए हैं, ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनकी ग्रोथ नहीं हो रही, ढांचे छोटे हैं, तो इन सब चीजों के हवाले से हमारे पास बहुत अच्छी फूड सप्लीमेंट्स हैं, फूड सप्लीमेंट्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे बच्चे इससे मुस्तफीद हो चुके हैं। मैमुना, जब हम रिकॉर्डिंग के लिए आपके पास आ रहे थे तो सीढ़ी चढ़ते हुए हमने एक बोर्ड देखा जहाँ लिखा हुआ था कि जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए कोई आपने स्कीम बनाई है, बेरोजगारी स्कीम, तो इसके क्या फायदे हैं और ये आपके जहन में कैसे आया? क्योंकि ये नाज़रीन के लिए बहुत ही अहम सवाल है कि बेरोजगारी बहुत फैली हुई है और महंगाई बहुत है, तो इस दौर में हर आदमी जा रहा है जिस फायदा होता है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बेरोजगार स्कीम के हवाले से अभी एक मेरी बेटी ने मुझे मशवरा दिया, क्योंकि मेरे साथ ही होती है वो सारे प्रोजेक्ट में, तो कहने लगी कि मामा एक ऐसी चीज इंट्रोड्यूस की जाए कि जिसकी वजह से और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो। अब देखें यहाँ पर आजकल MBA करने के बाद या बहुत ज़्यादा ज़्यादा भी पढ़ने के बाद भी नौकरी मिलती है, मिलने के बाद फिर रिस्क रहता है कि किस वक्त हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, तो ये सोचते हुए मैंने जो है ये रोज़गार स्कीम के हवाले से जो है ये एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अभी बहुत छोटा सा ये अभी टाइम हुआ है इसको लॉन्च किए हुए, और आप सबसे दुआ है कि इसमें कामयाब हूँ जैसा मैंने सोचा है, और रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है इसका। अच्छा, चलिए एटीट्यूड से हम आगे बढ़ते हैं, कुछ पर्सनल लाइफ की तरफ आते हैं, छोटे छोटे सवाल हैं जो पूछना चाहते हैं अपने सेलिब्रिटीज से हम पूछते हैं। अच्छा मैमुना, आप एक वर्किंग वुमन है और जाहिर है जो काम करने वाली खवातीन होती हैं उनकी तवज्जो घर की तरफ थोड़ी कम कम होती है, तो किस तरह आप मैनेज करती हैं दोनों चीज़ों? घर को टाइम बहुत कम देना होता है क्योंकि बच्चे माशाल्लाह अब सब बड़े हो चुके हैं, शुरू में तो जब बच्चे छोटे होते हैं ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बल्कि बड़े होने के बाद और ज़्यादा देना पड़ता है कि किसी गलत बैठक में ना बैठ जाएं, किसी को गलत दोस्त ना हो इनका, लेकिन माशाल्लाह इतने मैच्योर बच्चे हो चुके हैं कि अब उनको मैंने इसी के अंदर मूव कर लिया, अपने साथ ही अपने शोबे में मैंने मूव किया, बेटे को भी ले आई, बेटी को भी, बिल्कुल बेटी तो माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट, और अभी चार बच्चे हैं, दो आपकी फील्ड में आ चुके हैं, तीन आ चुके हैं हाँ, क्योंकि जो बड़े हैं तीनों, उनको तीनों को मैं ले आई हूँ, और छोटा तो अभी 4 साल का है तो वो तो अभी नहीं, और जो बड़े हैं माशाल्लाह वो तीनों के तीनों मेरे साथ हैं। डाइटिंग करती हैं या, क्योंकि सवाल मेरा यही है खाने पीने में क्या पसंद है, तो जाहिर है आपके पास जब कोई आएगा तो उसको यही मशवरा होता है या दिया जाता है कि जी खाने पीने में आप एहतियात करें, तो आप खुद भी ये सब कुछ करती हैं या सिर्फ मशवरे दे? एक समझे कि कभी भी नहीं की, जो सामने आ गया उसको खा लिया, दिल चाह रहा है खाया है, और बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया है, ठीक है, और अगर देखा है कि आप ज़्यादा खा लिया है तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसा कर लिया कि उसको यूटिलाइज कर लिया। अच्छा मैं उन्हें बताया कि खाने पीने की बात हो गई और सारी चीज़ें, सैर व तफरी के लिए आप शहर कराची में जा रहे हैं, आपका ताल्लुक कराची से, तो किस मुकाम पर जाना पसंद करती हैं? सी साइड पर जाना बहुत अच्छा लगता है, और वहाँ पे अगर 2-3 घंटे गुजारे जाएं तो आने के बाद बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करती हूँ, फ्रेशनेस बहुत ज़्यादा महसूस करती हूँ। अच्छा, रूह की गज़ा से कोई मौसीकी से? हाँ। बहुत बहुत पुराने गाने, लता के गाने पसंद है, वो बहुत अच्छे लगते हैं। फिल्में देखने का शौक है आपको? अच्छा ये बताइए कि आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है? फिल्में नहीं, इतना अव्वल तो टाइम नहीं मिलता, और पुरानी फिल्में फेवरेट ऐसा लगता है मुझे, आपने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। शाहरुख खान की कुछ कुछ होता है वो अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है जब देखती हूँ, बहुत नाम के वाले से नहीं वो वैसे ही कि बहुत ज्यादा उसके अंदर जो है, मतलब जो पूरा सीन है ना वो जिस तरह बनाया हुआ है, लविंग केयरिंग और इस तरह का, तो वो बहुत अच्छा लगता है। मैं बोला एक आम सा सवाल है, मर्दों का ये तजिया है कि खवातीन जो होती हैं वो हासिद होती हैं, जेलिस होती हैं, तो आपके अंदर ऐसा जज्बा है? ये नहीं कहूँगी कि जेलिसी नहीं थी, हसद था थोड़ा बहुत, लेकिन जो ये ट्रेनिंग्स ली ना अब चाइनीज़ के साथ और जैपनीज़ के साथ ख़ास तौर पे, और एक हमारी ट्रेनिंग हुई थी जो कि समझे कि वो इंसान के अंदर से वो सब कुछ निकाल देते हैं, उसकी मैं ख़त्म कर देते हैं, उस ट्रेनिंग के बाद आप यकीन करें इतनी हम्बल हो गई हूँ मैं, मेरे बच्चे कहते हैं मामा आपके अंदर इतना ज्यादा चेंज आ गया है। अच्छा, खवातीन आम तौर पे बहुत शौकीन होती हैं ज्वेलरीज पहनने के और हेवी ड्रेसेस का, मैंने जब भी देखा है आपको तो बहुत सादा ड्रेसिंग आप करती हैं, और साथ में जो आपका स्कार्फ है ये आपकी एक शनाख्त बन गई है और बहुत लोग फॉलो भी कर रहे हैं इसको, क्या कहना चाहेंगे आप?
ये पहचान है और मुझे देखकर मेरे स्टूडेंट्स में जो लेडीज हैं लड़कियां हैं खास तौर पे वो सब इस तरह से उन्होंने बांधना और मैंने एक दफा मैं गई मार्केट में सबके लिए गिफ्ट में लेकर आई और उनको मैंने दिया फिर उनको सिखाया कहने लगी मैडम आप सारी ट्रेनिंग देती हैं लेकिन आज आप हमें ट्रेनिंग देंगी स्कार्फ कैसे बांधती हैं और ये अब क्योंकि अब ये सिलसिला तो मैंने लाहौर में भी स्टार्ट कर दी है माशाल्लाह पिंडी में भी मेरा स्टार्ट हो चुका है यही ट्रेनिंग के हवाले से ब्यूटी थेरेपिस्ट के हवाले से और सिंध में भी बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला स्टार्ट करूंगी मैं इसको तो इस हवाले से उन्होंने कहा मैडम आज आप सब चीज़ों से पहले जो है ना हमें स्कार्फ बांधने का तरीका बताएंगी फिर मैंने वहीं पर ही क्योंकि लेडीज थी पूरी क्लास में उनके सामने पिंस निकाली और मैंने कहा देखो ये बहुत आसान तरीका है उसको बांधने का और फिर दूसरे दिन फिर उनको गिफ्ट में ला के सबको एक एक दो दो दिए तो वो बड़ा खुश हुई और अब समझे कि जब भी आती हैं तो सबने इसी तरह स्कार्फ बांधे हुए होते हैं और वो बड़ा खुश होती हैं और कहती हैं बड़ा अच्छा हमें अच्छा फील होता है मैं उन्हें आपसे मिलकर आपके साथ चाय पीकर गपशप करके बहुत मज़ा आया और ये जो आपके साथ हमारी मीटिंग थी बड़ी मुफीद मीटिंग थी इससे हमने बहुत कुछ सीखा है ख़ास तौर से मैग्नेटिक फील्ड के बारे में और आपने वो बताया जी चाय एक ऐसी आई हुई है जिससे इंसान दुबला हो जाता है तो मेरे पास भी बहुत सारे मैसेज आना शुरू हो गए ब्रेक में भी आ रहे थे और आपके पास भी आएंगे और हर आदमी जानना चाहेगा हमारी ख्वाहिश ये है कि हम एक बार फिर आपके पास आएँ और आपसे फिर गपशप करें तो चलते चलते आप लोग जो हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं जो आपके हमारे व्यूअर्स हैं और जो लोग आपको आपसे प्यार करते हैं उनसे आप क्या कहना चाहेंगी क्या मैसेज देना चाहेंगी आपको यही मैसेज दूंगी कि इंसानियत से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है दुनिया में और अगर मैं आपके किसी काम आ सकती हूँ तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज़ की बात होगी कि सेहत के हवाले से बेरोज़गारी के हवाले से या खुदा ना खास्ता आपको कोई और ऐसा मसला है जिसकी वजह से आप मुझसे रब्ता करना चाहें तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें बहुत ज़्यादा सेहत दे तंदुरुस्ती दे अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़